नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और छोटी सी खास वीडियो में। किसान साथियों, इन दिनों कई सारे किसान साथी मुझे अपने गन्ने की वीडियो भेज रहे, फोटो भेज रहे कि मनोज भाई हमारे गन्ने में जो पत्तियां हैं वो ऊपर से सूखनी शुरू हो गई हैं, इसमें कौन सा रोग आ गया, कौन से कीटनाशक का हम प्रयोग करें, कौन से फंजीसाइड का हम इस्तेमाल करें, ये कौन सी बीमारी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किसान साथियों, ये देखिए एक ही पत्ती है किसान भाइयों, उसमें थोड़ा सा हरा भी है हिस्सा और थोड़ा सा बिल्कुल पीला है जो सूख चुका है, और ज़्यादातर मेरे किसान भाइयों के गन्ने में ये परेशानी आ रही है। एक चीज मैं और बताऊं किसान भाइयों, इस साल तो ये कम है, पिछले साल बहुत ही ज्यादा ये परेशानी थी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये परेशानी गन्ने में क्यों आती है, इससे हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, और कितना नुकसान इस प्रकार की फसल हो जाने पे हमारे उत्पादन पे पड़ेगा, ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं ये कोई बीमारी नहीं है, इस पे कोई कीटनाशक लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस पे कोई फंगस की दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई भी बीमारी नहीं है। ये सनबर्न के कारण होता है। जब टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तो खासकर 0238 गन्ना प्रजाति में ये इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऊपर की जो हमारी पत्तियां हैं गन्ने फसल की, वो जलनी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार की दिखाई देने लगती है। इसके कारण कई मेरे किसान साथी इस पे फंगस का और कई मेरे किसान साथी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं, जो कि बिल्कुल बेकार है, गलत है। आपको इस पे कोई भी दवा नहीं लगानी, कोई भी कीटनाशक नहीं लगाना। किसान साथियों, पिछले साल ये समस्या बहुत ज्यादा देखी गई, क्योंकि लगातार टेम्परेचर अप रहा, बहुत ज्यादा बीमारियां भी गन्ने में आई। आपने इस साल देखा होगा कि जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी स्टार्ट होती है, तुरंत बरसात आ जाती है। इसी कारण इस साल ये समस्या कम है, लेकिन फिर भी कई मेरे किसान साथियों ने वीडियो भेजी, फोटो भेजे, जिस कारण मुझे ये जानकारी आज बांटने की आवश्यकता लगी और मैंने इस पे वीडियो बनाई है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में एक पत्ती या दो पत्ती तक इस प्रकार की एक पौधे में हो जाती है, तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके उत्पादन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारा का सारा पौधा ही ऐसा होता है तब जाके हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जबकि ऐसा मुझे लग रहा कि बिल्कुल भी इस साल स्थिति नहीं है कि बिल्कुल सारा पौधा ही ऐसा हो जाए। इस साल तो जब भी टेम्परेचर हाई हुआ तभी एकदम बरसात आ गई। अब किसान साथी, एक चीज और मैं बताऊं, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इस बार जैसे ही किसान ने गन्ना लगाया, तुरंत बरसात शुरू होगी, तो गन्ने का जो जमाव है वो तो प्रभावित जरूर हुआ, खरपतवार बहुत ज्यादा हो गया, जिससे किसानों को मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ी खरपतवारों को नियंत्रण करने में। लेकिन आपने महसूस करा होगा कि इस वर्ष गन्ना फसल में पिछले वर्ष की बजाय कीटों का जो अटैक है वो कम है, टॉप बोरर का जो अटैक है वो भी इस साल कम है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगातार अपनी राह ऊपर नीचे जाता रहा। इस टेम्परेचर में जो गिरावट आई है, इस वजह से एक फायदा ये हुआ कि जो हम दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं उनका लाभ भी हमें सही प्रकार से मिला। पिछले वर्ष यही दवाएं थी जो सारी की सारी फेल हो गई थी, और इस वक्त इस साल यही दवाएं हैं जो सारी की सारी अपना सही से काम कर रही है। अगर कोई भी किसान साथी 20 दिन के अंतराल पे एक कीटनाशक का स्प्रे अपनी फसल में लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो फसल है वो बिल्कुल भी बीमारी की चपेट में नहीं आई। इस साल बहुत ही अच्छा किसानों का गन्ना चल रहा है, थोड़ा सा जमाव पे जरूर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला है। किसान साथियों, अब हम फिर आते हैं अपनी वीडियो पे, ये सनबर्न के कारण है। अगर आपकी फसल में इस प्रकार की पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, किसी भी पौधे में दो पत्ती, तीन पत्ती या एक पत्ती तक है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे कोई भी, अगर आप बाजार में जाएंगे और इसके लिए भी अगर आप किसी दुकानदार से कीटनाशक या फंगस की दवा मांगेंगे तो वो आपको तुरंत पकड़ा देंगे। अगर आपने वही रोटेशन अपनी फसल में बनाया हुआ है, जो मैं बार बार समझाता हूँ कि 20-25 दिन के अंतराल पे हमें एक ही कीटनाशक का बिना रोगा स्प्रे करना है, तो वही बहुत है किसान भाइयों। इसके लिए कोई भी फंगस की दवा डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, गर्मी में जब टेम्परेचर लगातार 40 डिग्री बना रहता है और जिस तरफ से हवाएं चलती है गर्म, आपने ये भी महसूस करा होगा कि उसी तरफ की ये पत्ती जलती है, यहाँ तक कि एक पत्ती में वो उसी तरफ का हिस्सा ज्यादा जलता है जिस तरफ से हवाएं चलती है ज्यादा। तो किसान भाइयों, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा अत्यधिक टेम्परेचर के कारण ये परेशानी हमारी गन्ना फसल में आती है। बिल्कुल भी घबराने की या इस पर कोई दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, इससे बचने का जो सबसे अच्छा उपाय है, अगर आपके खेत में ये इस प्रकार की पत्तियां हो रही है, तो आप उसमें
हल्की नमी बनाए रखे, उसको ज्यादा सूखने ना दे, केवल और केवल उस इसका यही एक समाधान है। अगर मैं और एक समाधान के बारे में बताऊं तो आप इस पे 0050 जो हमारा एनपीके का ग्रेड आता है उसकी स्प्रे लगा सकते हैं। उसके अंदर केवल पोटाश की मात्रा रहती है। 0050 का जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधे में जो स्ट्रेस आता है पोटाश उसको कम करने में बहुत सहायक है। सनबर्न से भी बचाने में पोटाश का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आप अगर 0050 का स्प्रे कर दें, जैसे ही आप कीटनाशक या किसी भी दवा का स्प्रे अपनी फसल में करने वाले हैं तो उसके साथ आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वरना किसान भाइयों, इसका सबसे आसान उपाय और अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी फसल में हल्की नमी बनाए रखें, उस पर जो है समय समय पे रोग से बचाने के लिए 20-25 दिन के अंतराल पे कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। इसके लिए स्पेशल कोई भी दवा लगाने की, कोई भी फंगस की दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है।